हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ। तो आप प्रोडक्ट देख के समझ ही गए होंगे, ये गाइस एक एक्सटेंशन बॉक्स है और ये आता है गोल्ड मेडल की तरफ से। सॉरी दोस्तों, इसका बॉक्स अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने इसे फेंक दिया है, क्योंकि लगभग इसे मैंने अपने 7-8 महीने पहले लिया था और मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक रिव्यू वीडियो बना दूँ। तो प्राइसिंग की हम पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राइसिंग कुछ मुझे MRP याद नहीं, बट ये मैंने 500 रुपीज़ में अपने लोकल शॉप से लिया था। और अगर आपको कोई जल्दी ना हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन अराउंड 300 रुपीज़ ये आपको मिल जाएगा गोल्ड मेडल कंपनी का। इसमें और भी ब्रांड्स आते हैं जैसे सिस्का है और एंकर वगैरह भी है, बट गोल्ड मेडल मतलब मैंने यूज़ किया, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें स्पाइक सर्च प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना यूज़ करने के बाद भी ये कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। ये बटन भी बराबर है और ये देख सकते हैं आप, ये भी अच्छा है। तो इसे मैं जनरली अपने डेस्कटॉप और प्रिंटर स्कैनर वो सब सेटअप के लिए यूज़ करता हूँ, मतलब अपने डेस्क के लिए ही यूज़ करता हूँ मैं। और इसमें एक और अच्छा फीचर जो मुझे लगा कि आप इसे माउंट भी कर सकते हैं, मतलब अटका सकते हैं, यहाँ पर ऐसे आप ऐसे वर्टिकली भी अटका सकते हैं और या फिर आप हॉरिजेंटली भी इसे ड्रिल करके स्क्रू, मतलब दीवार में या फिर टेबल में स्क्रू लगा के इस पर अटका सकते हैं। और इसके पीछे कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो नेवर एक्सीड टोटल मैक्सिमम लोड ऑफ 10 एम्पियर। अगर आपका 10 एम्पियर से ज़्यादा लोड है तो शायद इसे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और नेवर यूज इफ़ द प्लग लीड और सॉकेट आर डैमेज, नेवर यूज़ द पावर स्ट्रिप विदाउट ऑन, मतलब ये केबल आपको पूरी तरीके से बिना खोले यूज़ नहीं करना है, आपको इसे पूरे खोलनी है फिर ही आपको यूज़ करनी है। और आपको इसका अगर सॉकेट कुछ थोड़ा जला या कुछ ख़राब लग रहा है या फिर जो पिन आप इसमें लगाएंगे वो थोड़ी ख़राब है तो वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।